उनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र जिले के सतारा जिले में हुआ है और कराड नामक गांव में हुआ है। पुणे आपकी कर्मभूमि है। अब इसमें एक वर्ड आया है कर्मभूमि, तो जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही आपकी अलग हो सकती है। ऐसा नहीं जहां आपका जन्म हुआ है वहीं आप कर्म करोगे, कर्म यानी काम। तो कर्मभूमि यानी आप जहां काम करते हो। अब वसंत पावर जो कवि है उनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में। देखिए उनकी कर्म यानी उन्होंने जो भी वर्किंग किया है वह पुणे में किया है। राष्ट्र सम्मेलन संपादन में आप अंग्रेज अग्रणी रहे, व्यवसाय से अध्यापक रहे। आपके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अखरावी, दिशा, तेजसी आपकी रचना है। कवि की जो भी रचना है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। सेतु, बिजली, दिशा, तेजसी उनकी रचनाएं हैं। अब व्यवसाय ये तीनों चीज है
और प्राण से एक ही प्रार्थना करता हूँ क्या मैं सच्चाई के राह पर चलूं, सुंदर विचार करूं, सबका भला इच्छूं और हर रोज मेरे लिए दुखिया दुखिया लोग का दुख दूर हो जाए जो भी दुखी लोग हैं ये दुख में
अभ्यर्थना है, मनोकामना है, इन सब चीजों के लिए एक ही होती है कि हमारे मन में अच्छी भावना हो, अच्छी प्रार्थना हो। सो